सर हम इंजीनियर है IIT खड़गपुर से। सर मेरा इस बार थर्ड ईयर में है। हमको वहाँ पे जाने के बाद कहा गया जी आप हमको घूस दीजिए नहीं तो काम नहीं होगा, आप कहीं भी चल जाइए डीएम कलेक्टर कहीं पे भी। 2017 से सुन रहे, 7 से सुन रहे, 10 से सुन रहे इन्फोसिस मुजफ्फरपुर में IT पार्क बनाएगा, IT पार्क बनाएगा, बना है आज तक। मोदी जी के फैन है कि नहीं? नहीं सर, मोदी जी के हम बिल्कुल फैन नहीं है। कोरोना से पहले अगर देखा जाए तो 20% थे, कोरोना में तो एकदम 0% हो गए हैं फैन। बिल्कुल 0% फैन, 0% फैन हो गए हैं जी। क्या करें सर, सिस्टम में आइए, इतना पढ़िए लिखिए, UPSC पास करिए, फिर नेता मंत्री कोई आएगा कहेगा ए बबुआ ई ना हो तो वो चला 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 तू चला एने ई करब तू, बिहार हमर हब कि तोहर। हमारे घर में जो है ना नेशनल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट और मेडल चलिएगा तो बोरा भर के रखा हुआ है, फेंकने के लिए अब खोज रहे हैं। 2 रुपया 4 रुपये किलो ले जाओ उठा के, वो भी नहीं मिला। बहुत करप्शन है सर, यहाँ पे करप्शन ही नहीं है। यहाँ पे किसी भी क्षेत्र में आपको जाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। एक चीज हम आपको बताएंगे ना तो आप कहिएगा जी ये इतना भ्रष्ट है यहाँ का आदमी। पटना में भाई में लड़ाई होती है, मामा भांजे में जो झगड़ा होता है उसका असर गांव-गांव के वोटर तक होता है। जी सर बिल्कुल होता है, देख रहे हैं करप्शन वैसे वैसे। मेरा सर क्या कहें सर, सिस्टम में आने का मन नहीं कर रहा है। घर का जो झगड़ा होता है वो वोटर तक इस तरह का मैसेज देता है। जरूर सर, अगर मान के चलिए जी आप घर में अगर अपने परिवार को बांध के रखे हैं और अच्छे तरीके से रखे हैं तो आप दुनिया को भी लीड कर सकते हैं। तो सीधा उनका कहना था जी तुमको, तुम्हारे से पहले हम मंत्री जी या अधिकारी के बेटे को तवज्जो देंगे। विधानसभा में सर हम चुनेंगे तेजस्वी यादव को, क्योंकि नीतीश जी को तो देख लिए हैं पिछला 3-4 बार से, जब से हम बच्चा से बड़ा हुए हैं, थोड़ा एज हुआ है जी, मुख्यमंत्री गवर्नर और राज्यपाल राष्ट्रपति, तब से हम देख लिए कुछ नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री वाला चुनाव तेजस्वी चुनेंगे जी सर। प्रधानमंत्री वाले में सर, प्रधानमंत्री वाले में सर राजभवन पटना के पास एक भाई साहब मिल गए, बोले कि हमको कुछ बोलना है आपके चैनल पे। तो इनसे परिचय पहले लेते हैं कि क्या नाम हुआ आपका? जी सर मेरा नाम राजेश कुमार है। क्या करते हैं आप? सर हम इंजीनियर है IIT खड़गपुर से। सर मेरा इस बार थर्ड ईयर में है हम। तो आप बिहार के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। जी सर बिहार के बारे में हम यही कहना चाहते हैं सर, बिहार में अभी जितना भी चीज़ देखा जा रहा है नीतीश बाबू के सरकार में, सब एकदम समझिए जी पहले जो दुरुस्त था निरस्त हो चुका है, एकदम ख़त्म हो चुका है। मतलब समझिए जी आपको अगर पढ़ाई भी करना है ना तो आपको कहीं से पैसा नहीं मिलेगा। कह रहे हैं जी लोन दिलवा देंगे, लोन दिलवा देंगे, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। सर हम अपना आप बीता खुद ही आपको बता रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं। हम गए DRCC ऑफिस मधुबनी, वहाँ पे गए, लोन के लिए अप्लाई किए। सर सब कागज सही होने के बाद 4 लाख का लोन स्वीकृत करने के लिए हमको वहाँ का जो अधिकारी था, अंचल अधिकारी या जो भी आप कहते हैं, हमको उतना नहीं पता जी। वो हमसे कह रहे हैं जी आप 10 से 15 हज़ार रुपया हमको दे दीजिए, हम अभी के अभी फाइनल करवा देते हैं। और सर हमारा जो वहाँ पे सर जितना हम कोटेशन बनवा के लाए थे ब्लॉक एफिडेविट सर DRCC मधुबनी में सर जी सर आज से हो गया 3 वर्ष पहले का बात नहीं मिला सर। हमको कहा गया जी 10 से 15 हज़ार रुपया हमको दीजिए, जबकि हमारा पूरा जो टोटल खर्च हम जो मिला के देखे थे अपना जितना भी कॉलेज का वो 5 लाख से ऊपर जा रहा था। तो 4 लाख हम सोचे जी इसमें हो जाएगा, 1 लाख इधर उधर से कहीं से अपना जोड़ जाड़ कर लेंगे, लेकिन वो भी नहीं मिला सर। हमको वहाँ पे जाने के बाद कहा गया जी आप हमको घूस दीजिए नहीं तो काम नहीं होगा, आप कहीं भी चल जाइए डीएम कलेक्टर कहीं पे भी। तो बताइए सर उस स्थिति में हम क्या करें, हमको वहाँ से मन छोटा होके करना पड़ा। अब सर अब बाप का मतलब IIT वालों के साथ ये हाल है, नहीं किया प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है या दूसरा कॉलेज में सर उसको तो पूछबो नहीं करे। वहाँ पे जाए तो वहाँ पे चौकीदार रहता है एगो दूगो, वो तो उसको देखे के हरका दे, कहला ये 500 500 चाहिए, पानी में उसका 2-3 हज़ार टन आ जाता है, तब उसको क्या करेगा। अब मान कितना करप्शन है, बहुत करप्शन है सर। यहाँ पे करप्शन ही नहीं है, यहाँ पे किसी भी क्षेत्र में आपको जाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। हम पहले आपको एक और बात बताते हैं, हमारे दादाजी यहाँ पे बिहार विधानसभा में चालक थे, ड्राइवर थे, तब हमारा नाम था उनका जीवज ठाकुर। तो वहाँ पे उनका कुछ ये वो देखे जी हाँ सचिवालय सेक्रेटरिएट बैडमिंटन हॉल है, तो सोचे जी चलिए नाम लिखा देते हैं भैया। अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद यहाँ बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी K N Jaiswal कुछ सपोर्ट नहीं किए हैं। हमारे घर में जो है ना नेशनल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट और मेडल चलिएगा तो बोरा भर के रखा हुआ है, फेंकने के लिए अब खोज रहे हैं, 2 रुपया 4 रुपये किलो ले जाओ उठा के, वो भी नहीं मिला। कैंपस में काहे बनाया बैडमिंटन इंडोर बनाया है ना सर, इंडोर स्टेडियम। पूंजीपति आदमी खेलने के लिए एक चीज हम आपको बताएंगे ना तो आप कहिएगा जी ये इतना भ्रष्ट है यहाँ का आदमी। हम मेरा भी नेशनल्स गेम यहाँ पे हो रहा था पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ पे 2017-18 में चयन हुआ था, लेकिन चयन सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि हम एक साधारण परिवार से थे। हमारे पिताजी ना ही एक अधिकारी थे ना ही मंत्री थे, और हमारे जगह पे एक अन्य बालिका को दिया गया वो मौका क्योंकि उनके पिता एक बहुत ही बड़े अंचल अधिकारी थे। और जब हमने इनका विद्रोह किया जी हाँ भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, तो वो सीधा उनका कहना था जी तुमको तुम्हारे से पहले हम मंत्री जी या अधिकारी के बेटे को तवज्जो देंगे। हम एक बार अगर किसी क्वालिफाई राउंड में अगर छट जाते थे तो हमको हटा दिया जाता था, लेकिन उनको तब तक मौका दिया जाता था जब तक वो जीते नहीं। वो होता है, यही होता है सर, यही होवे। और क्या कमी है? आप जैसे युवा हैं और IITian हैं तो आपको क्या लगता है बिहार सरकार जिस तरह का दावा करती है रोजगार को लेके? जी सर, और तो IT हब खोलने की बात कर रहे थे जी सर वाले, IT हब तो सर हम तो कह ही रहे हैं इन्फोसिस में। हम तो आज से नहीं सुन रहे हैं, 2017 से सुन रहे हैं, 7 से सुन रहे हैं, 10 से सुन रहे हैं। इन्फोसिस मुजफ्फरपुर में IT पार्क बनाएगा, IT पार्क बनाएगा, बना है? आज तक नहीं बना है सर। सर हम तो कह रहे हैं जी पहले तो हम IIT का अपना कर रहे हैं, ऊपर से हम अभी सर इस लाइन में UPSC के भी लाइन में घुस चुके हैं। तो जैसे जैसे घुस रहे हैं ना सर, देख रहे हैं करप्शन सर, वैसे वैसे मेरा सर क्या कहें सर, सिस्टम में आने का मन नहीं कर रहा है जी। क्या करें सर, सिस्टम में आइए, इतना पढ़िए लिखिए, UPSC पास करिए, फिर नेता मंत्री कोई आएगा कहेगा ए बबुआ ई ना हो तो चला 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 तू चला एने ई करब तू बिहार हमर हब कि तोहर। ऐसा ऐसा बात है। कौन विकल्प बढ़िया लगता है अब बिहार में, किसको CM होना? सर युवा है आप बताइए सर। अभी देखिए बिहार के लिए कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो ऐसे कहे। सब जितना भी अभी तक जो भी किए हैं, लालू जी का राज हो गया चाहे नीतीश जी का, ये सब जो है ना जुमलेबाज कहा जाए तो जुमलेबाज हैं। तेजस्वी जी के बारे में क्या ख्याल? तेजस्वी जी के बारे में उनको मौके नहीं मिला है सर, या तो उनके पापा थे राजगद्दी पे, नहीं तो उनकी माता जी थी। अगर उनको मौका मिले, अगर वो एक बार चलिए अगर उनको मौका दिया जाए, अगर वो बन जाते हैं बढ़िया करते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता तो नहीं है वो बढ़िया करेंगे। क्या नहीं ऐसा लगता सर? इसलिए नहीं लगता है क्या कि सर मंत्रिमंडल एक आदमी से नहीं ना चलता है, चलता तो है सबसे। जैसे नीतीश कुमार लीडर जो मुख्यमंत्री होते हैं सर, उनके परिवार में तो अपने अभी सर फूट डला हुआ है सर। वो अपने अपना एक दूसरे भाई का जब मत नहीं मिल रहा है तो वो सर दुनिया अति अपना राज्य के लिए क्या मत अति करेंगे। घर का जो झगड़ा होता है वो वोटर तक इस तरह का मैसेज देता है। जरूर सर, अगर मान के चलिए जी आप घर में अगर अपने परिवार को बांध के रखे हैं और अच्छे तरीके से रखे हैं तो आप दुनिया को भी लीड कर सकते हैं, क्योंकि जो घर चला सकता है वो देश भी चला सकता है। देश भी तो परिवार से छोटा छोटा बना हुआ है, लेकिन इनका घर में ही अथी डला हुआ है, मतभेद है। तो हम कैसे पटना में भाई भाई में लड़ाई होती है, मामा भांजे में जो झगड़ा होता है उसका असर गाँव के वोटर तक होता है। जी सर बिल्कुल होता है। जैसे कि अगर मान के चलिए हम इन पे विश्वास करें जी हाँ चलिए इनको अथी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, लेकिन हम इन पे विश्वास ही कैसे करें? भाई अलग सुर रापले हैं। तो व्यक्तिगत मामला भी तो होता है, सामाजिक मामला, व्यक्तिगत मामला तो होता है, लेकिन सर पार्टी प्रदेश। मोदी जी क्या कीजिएगा, मोदी जी की पत्नी अलग रही है, मोदी जी अलग रहे हैं। नहीं सर वो मोदी जी के फैन है कि नहीं? नहीं सर मोदी जी के हम बिल्कुल फैन नहीं है। कोरोना से पहले अगर देखा जाए तो 20% थे, कोरोना में तो एकदम 0% हो गए हैं फैन। हाँ, बिल्कुल 0% फैन, 0% फैन हो गए हैं। कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी? सर अगर डेवलपमेंट के बारे में देखा जाए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सर और किसी चीज़ में देखा जाए, हेल्थ के बारे में देखा जाए, ये सब में देखा जाए तो सर हमको लगता है थोड़ा कम है। और मोदी जी में सर, मोदी जी के बारे में हम क्या कहें सर, वो तो सर देश के प्रधानमंत्री हैं, हमसे ज़्यादा ही वो जानते होंगे, इसीलिए तो आज वहाँ पे बैठे हुए हैं सर। उनके नीतीश कुमार भी आपसे ज़्यादा जानते होंगे तभी यहाँ CM की कुर्सी में बैठे हैं। इंजीनियर हैं जी सर, इंजीनियर तो हैं, लेकिन उनका इंजीनियरिंग कोई काम नहीं आया, ना ही उनका नेतागिरी पॉलिटिक्स कुछ काम आया ना। 16-17 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश। हाँ तो सर 16-17 दिए थे नीतीश जी को? नहीं दिए थे सर, हम किसी को वोट ही नहीं देते हैं। मोदी जी को नहीं दिए थे? नहीं सर। अब उस समय सर हमारा जब 2014 में इलेक्शन हुआ था तब हम नाबालिग थे, 2019 में इलेक्शन हुआ तब भी हम नाबालिग थे। कितना उम्र हुआ सर? अभी मेरा सर 21 चल रहा है। तो बुतरू हैं? हाँ सर वही, बुतरू नहीं सर समझिए जी, अभी अभी सर हम थोड़ा मैच्योर होना शुरू हुए हैं जी, इसीलिए। चलिए तो इनसे बात के 21 साल के युवा हैं, नए नए वोटर, अगली बार चुनाव होगा तो पहली बार वोट देंगे, अबरी वोट देना होगा तो किसको दीजिएगा सर? विधानसभा दोनों, ईमानदारी से बोलिए। आपके पास विकल्प रहेगा तेजस्वी का और नीतीश कुमार का विधानसभा, इन दोनों में से किसको चुनिएगा सर? अगर सर लोकसभा में अगर हम पहले विधानसभा फिर हम लोकसभा भी आएंगे सर। लोकसभा में अगर चुनना रहा तो हम तेजस्वी को चुनेंगे, क्योंकि विधानसभा में सर हम चुनेंगे तेजस्वी यादव को, क्योंकि नीतीश जी को तो देख लिए हैं पिछला 3-4 बार से, जब से हम बच्चा से बड़ा हुए हैं, थोड़ा एज हुआ है जी, मुख्यमंत्री, गवर्नर और राज्यपाल, राष्ट्रपति, तब से हम देख लिए कुछ नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री वाला चुनाव तेजस्वी चुनेंगे जी सर। प्रधानमंत्री वाले में सर, प्रधानमंत्री वाले में सर ऐसे सर हमारा एक ही अभी फेवरेट है सर, न मोदी जी, न योगी जी, न कोई, अरविंद केजरीवाल जी। प्रधानमंत्री के लिए केजरीवाल तैयार होंगे तब आप सर, अभी तो सर ऐसे नहीं कह सकते। बिहार में वो स्थिति नहीं है कि बिहार से धीरे धीरे जैसे जैसे नहीं कहते हैं सर जी, जैसे ठेस लगता हो तब तो अरबूज खुलता हो। केजरीवाल के फैन है आप? बहुत बड़ा फैन है। वो भी IITian है? नहीं सर, IITian का बात, खड़गपुर से हैं? नहीं सर, वो तो सर उनका न सर हम थोड़ा अति माइंड से अति कर रहे हैं, तो सर हम उनके फैन नहीं है सर, ठीक है, अच्छा लगता। लेकिन सर उनका जो काम है ना, उनके हम फैन हैं, जैसे कि जो चीज होना चाहिए, जो चीज हमारे देश को, दो ही चीज आगे बढ़ा सकता है, देश का युवा और सर एक काम, माफ करिए लेकिन सर देश का युवा ही हमारे देश को थोड़ा आगे बढ़ा सकता है, लेकिन वो उस युवा पे जोरदार काम कर रहे हैं, 0 से लेके हीरो तक का सबका पढ़ाई खर्चा सब एकदम फ्री में करवा रहे हैं, तो वो मेरे एक आदर्श हैं और उनको हम एक आदर्श भी मानते हैं सर। बिहार में चुनाव होगा मुख्यमंत्री का तो वोट देंगे तेजस्वी को, और केंद्र का चुनाव होगा प्रधानमंत्री वाला तो वोट देंगे केजरीवाल जी को। ये भी IITian है, वो भी IITian है, युवा है, नवयुवक जो नए युवा हैं और जो पहली बार वोट देंगे, उनका इस तरह का नजरिया। और घर की जो लड़ाई होती है उसको, उस पर डिस्कस करने का मतलब ये था, मकसद ये था कि क्या इसका असर वोटर तक पहुंचता है, उन पे किस तरह का नकारात्मक सकारात्मक किस तरह का प्रभाव होता है, वो भी हम जाने नवयुवक से। और कहाँ घर बताए आप? मधुबनी जिला हमारा सर पड़ता है, मिथिला क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरी बातचीत को लेके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिएगा। जय भीम, जय भारत।